CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ठुमरी, जो राग देश पर आधारित है। ठुमरी भारतीय संगीत की एक शैली है। इसके अनेक अंग और उपअंग हैं। यह उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसी कारण इसे उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत रखा जाता है। ठुमरी की बंदिश छोटी होती है और मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान होती है, किंतु भक्ति आदि भावों पर आधारित बंदिश भी ठुमरी शैली में गाई जाती है। ठुमरी में प्रयुक्त होने वाले राग भी चपल प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे खमाज, पीलू, भैरवी, काफी, गौड़ सारंग और देस इत्यादि। ठुमरी सामान्यतः छोटी लंबाई अर्थात कम मात्रा वाली तालों में गाई जाती है, जिनमें कहरवा, रूपक और अद्धा तीन ताल प्रमुख हैं। इसके अलावा दीपचंदी और जत ताल का भी ठुमरी में काफी प्रचलन है। राग की ही तरह इस विधा में एक ताल से दूसरी ताल में जाने की छूट भी होती है। तो अब प्रस्तुत है ठुमरी, जो राग मिश्र देश पर आधारित है, ताल जत है। ताल जत क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जत ताल, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। चार विभाग, ताली, पहली मात्रा, पांचवी मात्रा, तेरहवीं मात्रा पर और खाली नौवीं मात्रा पर। जत ताल के बोल इस प्रकार हैं, धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, धा आ धिन, धा धा तिन, ता आ तिन, धा धा धिन। धा, ये धा सम का धा है जो मैंने आखिरी में कहा है। अब आप जत ताल का ठेका तबले पर सुनिए। जत ताल, राग देश पर आधारित ठुमरी सुनने से पहले आइए राग देश को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग देश की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। राग देश के आरोह में गंधार और धैवत वर्जित हैं, निषाद दोनों लगते हैं, अर्थात शुद्ध नी और कोमल नी दोनों प्रयोग किए जाते हैं। शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति ओढ़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम है। राग देश का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग देश का आरोह इस प्रकार है। नीसा रे मा पा नी देश का अवरोह इस प्रकार है। सानी
प्रस्तुत है राग देश की पकड़। रे मा प अब सुनते हैं राग मिश्र देश पर आधारित ठुमरी। ठुमरी की बंदिश के बोल हैं, मथुरा गए मोरे श्याम, मथुरा गए मोरे श्याम, श्याम रे श्याम रे, भूले गाव के
गए मोरे श्याम मोरे श्याम श्याम मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे मथुरा गए मोरे मथुरा गए मोरे मथुरा गए मोरे श्याम मथुरा गए मोरे श्याम मोरे श्याम मोरे श्याम मथुरा गए मोरे श्याम। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि हम इसी बंदिश को किसी और धुन में गाएं तो राग तो वही रहेगा किंतु शैली ठुमरी नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए यदि यही बंदिश उसी राग में परंतु किसी और स्वरूप में गाई जाए तो वह ठुमरी नहीं रहेगी यद्यपि राग अक्षुण्ण रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं राग देश में बंदिश परिवर्तित रूप में। मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे मथुरा गए मोरे श्याम मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे मथुरा गए मोरे श्याम बीत चली आठो याम रे बीत चली आठो याम रे मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे मथुरा गए मोरे श्याम वाट निहारत नैना थाके वाट निहारत नैना थाके पलक न लागे याम रे पलक न लागे याम रे मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे मथुरा गए मोरे श्याम नगर किनारिन देखिए लुभाए नगर के नारिन देखी लुभाए भूले गांव के बामरे भूले गांव के बामरे मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे मथुरा गए मोरे श्याम। जैसा कि आपने सुना राग देश ही रहा किंतु शैली ठुमरी नहीं रही। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ राग देश की धुन अपने फ्यूजन रूप में। मथुरा
शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। आइए एक बार फिर से सुनते हैं ठुमरी शैली राग देस में। मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे, मथुरा गए मोरे श्याम श्याम रे। संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। राग देश पर आधारित ठुमरी। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्मालय डे और नेहा खंक्रियाल, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक और कुसुमलता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।